हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्सो सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 200 प्लस सी प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज एमसीक्यू का मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सी प्रोग्रामिंग से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, सारा मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो एस एजुकेशनल चैनल को फॉलो करें। ऑलरेडी वहाँ पे मैंने बहुत सारे वहाँ पे एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखा है, उसे आप जरूर देखें। चाहे आपका एमएस ऑफिस हो, लिब्रा ऑफिस हो, फंडामेंटल हो, इंटरनेट हो, ये सारा उस चीज़ इंक्लूडेड है आपका प्ले स्टोर में। एस एजुकेशनल चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर कंप्यूटर टॉपिक वाइज प्ले स्टोर आपको मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डाल रखा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी आपके तरह टैलेंटेड हो सके। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, सी लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय, सी भाषा द्वारा विकसित की गई थी। मतलब सी लैंग्वेज जो डेवलप किया गया है, क्या डेवलप करने वाला का नाम क्या है, जिसका ऑप्शन है डेनिस रिचर्ड, डेनिस एम रिची, बर्जेन स्टोडिस, एडर्स हेजल्सबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, तो डेनिस एम रिची ने किया था। ठीक है, इसको टिक लगाइएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर टू क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज सी लैंग्वेज डेवलप, सी भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था, मतलब किस ईयर में डेवलप हुआ था सी लैंग्वेज, मतलब कौन सा ईयर था। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन है 1962, 1978, 1979, 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। मतलब जब भी आपको ईयर्स पूछेगा कौन से ईयर्स में डेवलप हुआ था, तो 1972 पे टिक लगाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर थ्री क्वेश्चन, सी लैंग्वेज इज ए सक्सेसर टू विच लैंग्वेज, सी भाषा किस भाषा की उत्तराधिकारी है, मतलब कि सी लैंग्वेज जो सक्सेसर किया जाता, किसका उत्तराधिकारी कौन है, मतलब कि किसके द्वारा, कौन सा एप्लीकेशन के द्वारा या कौन से प्रोग्राम के द्वारा इसको मतलब डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन है बेसिक, कोबल, सी प्लस प्लस, बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी होता है इसका सक्सेसर लैंग्वेज। ठीक है, उत्तराधिकारी क्या है इसका, बी है। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर फोर क्वेश्चन, सी इज ए, सी एक है, खालिस्तान को बड़ी सी क्या है, जिसका ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दी अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा मीडियम लेवल लैंग्वेज है, सी जो होता है प्रोग्रामिंग का मीडियम लेवल लैंग्वेज है। याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर फाइव क्वेश्चन, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, सी भाषा में कितने कीवर्ड है, मतलब कीवर्ड कितने होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, जो सी लैंग्वेज हमारा होता है उसमें कितने भाषा होते हैं, जिसका ऑप्शन है 32, 33, 64, 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 32। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं, तो आपको टिक लगाना है 32 पे, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन, सी लैंग्वेज इज ए, सी भाषा एक है, सी भाषा एक क्या है, जिसका ऑप्शन है प्रोडक्टर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो जाएगा, जनरल पर्पस लैंग्वेज भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। मतलब सी, सारा सी, तीनों चीज मिलकर ये सी लैंग्वेज को क्रिएट किया गया, यानी इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी उपरोक्त में सभी। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी है। नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन, विच इज ए नॉट ए वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, सी भाषा में कौन सा कीवर्ड मान नहीं है, मतलब सी भाषा में कौन से कीवर्ड को नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, उसका मान नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन है फॉर, वेल, डू वेल, स्विच। इसका सही आंसर हो जाएगा डू वेल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, डू वेल का मतलब करते करते होता है। ठीक है, इस कीवर्ड का हम लोग नॉट वैलिड है किसमें, सी लैंग्वेज में, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर एट नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज एन आइडेंटिफाई इन सी लैंग्वेज, सी भाषा में पहचानकर्ता क्या है? इसका ऑप्शन है, मतलब सी भाषा का, सी भाषा का जो आइडेंटिफायर होता है वो क्या होता है? तो जिसका ऑप्शन है आपका, एन आइडेंटिफाई इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर यूज फॉर द कंडीशनल एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। एन आइडेंटिफाई इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज फॉर एनी वेरिएबल फंक्शन लेवल नेम, बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों है, नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी में एन आइडेंटिफायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर यूज फॉर एनी वेरिएबल फंक्शन लेवल नेम, पहचानकर्ता अल्फान्यूमेरिक वर्णों का संयोजन है जिसका उपयोग किसी भी चर फंक्शन लेवल के नाम के लिए किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आपको हिंदी में मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 9 क्वेश्चन, ए सी स्टाइल कमेंट सिंपली सराउंड द टेक्स्ट विड्थ, सी शैली की टिप्पणी में पाठ को केवल से घेरे। जिसका ऑप्शन है, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है, स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, वन फॉरवर्ड स्लैश, डबल स्टार एंड स्ट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड स्ट्रिक का यूज करते हैं, मतलब इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग किया जाएगा। ये क्या होता है, सी स्टाइल का कमेंट का सिंपली सराउंड टेक्स्ट है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो आपका बी दिख रहा है, या यहाँ पे ए वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड स्लैश, स्ट्रिक्स एंड स्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए? सी स्टाइल कमेंट के लिए, ठीक है। सी स्टाइल कमेंट के लिए सिंपली सराउंड का टेक्स्ट विड्थ कौन सा यूज किया जाता है, ये आपका टाइप करने से सी स्टाइल कमेंट हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, वी कैन प्लेस कमेंट बिटवीन द स्टेटमेंट टू कमेंट्स ए पार्ट ऑफ द कोड, क्या हम कोड के किसी भाग पर टिप्पणी करने के लिए कथन के बीच में टिप्पणियां रख सकते हैं? जिसका ऑप्शन यस और नो में देना है, मतलब कि टिप्पणियां रख सकते हैं या नहीं देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यस, कर सकते हैं टिप्पणियां, ठीक है। इसका आंसर हमारा यस हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इज एन इनफॉर्मल नेम फॉर आईएसओ आईईसी 9899 ऑफ दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड, आईएसओ और आईईसी 9999 का अनौपचारिक नाम जो सी प्रोग्रामिंग भाषा का मानक का एक पुराना संस्करण है। जिसका ऑप्शन है सी, सी प्लस प्लस, सी 89, सी 99। इसका सही आंसर रहेगा सी 99, जो होता है उसका मानक का एक पुराना संस्करण का नाम था, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। जब भी पूछेगा कि सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या है, पास्ट जो वर्जन था हमारा उसका लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या था, तो सी 99 पे टिक कीजिएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 12 क्वेश्चन, इन विच वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज द सी प्लस प्लस स्टाइल कमेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश आर द इंट्रोड्यूस्ड, सी भाषा के किस संस्करण में सी प्लस प्लस स्टाइल टिप्पणी डबल कोलन पेश की गई है? जिसका ऑप्शन है सी 17, सी 18, सी 89, सी 99। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 99, जो होता है स्टाइल कमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले जो वर्जन हमारा जो सी लैंग्वेज का था वो क्या, सी 99 के नाम से ही होता था, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, द सी सोर्स फाइल इज प्रोसीड बाय दी, सी स्रोत फाइल को द्वारा संसाधित किया जाता है। जिसका ऑप्शन है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, असेंबलर। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर, कंपाइलर जो होता है सी सोर्स का प्रोसीड करता था फाइल को, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ मनी वाइट स्पेस कैरेक्टर आर अलाउड इन सी लैंग्वेज, सी भाषा में कितने रिक्त स्थानों को वर्णों की अनुमति है? जिसका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, मतलब कि जो सी भाषा में रिक्त स्थानों को वर्णों की अनुमति होती है वो कितने होते हैं, मतलब कितने नंबर होते हैं उसमें, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसका आंसर हमारा डी है। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ मनी पंक्चुएशन कैरेक्टर आर अलाउड इन सी लैंग्वेज,
सी भाषा में कितने विराम चिन्हों की अनुमति है, जिसका ऑप्शन मतलब कि विराम जो चिन्ह देते हैं, मतलब जो होता है जहाँ पर हमको विराम लगाना है, तो वहाँ पे हम लोग कितने मतलब कि भाषा की अनुमति होती है, मतलब कि अलाउड कितने करेक्टर अलाउड कर सकते हैं, मतलब जिसका ऑप्शन है 39, 30, 31, 32। जिसका सही आंसर हो जाएगा 39 करेक्टर को हम लोग यू अलाउड कर सकते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है, विराम के लिए, ठीक है, मतलब कि पंचुएशन के लिए, ठीक है, इसका याद कीजिएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज सोर्स फाइल। सी भाषा के स्रोत फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जिसका ऑप्शन है .c.cpp .c99 .h। जिसका सही आंसर हो जाएगा .c होता है, ठीक है, डॉट मतलब क्या होता है, डॉट जो होता है एक्सटेंशन शो करता है किसका, सी लैंग्वेज का, इसलिए हमारा डॉट सी लिखा गया है। डॉट एच टी एम का जैसे डॉट एच टी लिखा था, एच टी एम लिखा जाता है, उसी तरह यहाँ पे डॉट सी लिखा है, ये हमारा फाइल का एक्सटेंशन शो करता है। जब भी एक्सटेंशन पूछेगा तो आपको डॉट सी पे लगाना है, सी का, किसका, सी का, ना कि सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस अलग होता है, इसका सी का अलग है, ठीक है, ये डॉट सी इसको करना है, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए सी लैंग्वेज हीडर फाइल। सी भाषा के हीडर फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जिसका ऑप्शन है सी डॉट डॉट सी पी पी डॉट c99 डॉट एच। इसका सही आंसर रहेगा डॉट एच, जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज हीडर फाइल का होता है, ना कि सी लैंग्वेज का। हीडर फाइल का है, पूछेगा सी लैंग्वेज की हीडर फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, तो डॉट एच पे टिक लगाना है आपको, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए सी भाषा का आविष्कार किया गया था, मतलब कि सी भाषा का आविष्कार किया गया था किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड, मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था सी भाषा का, ठीक है, मतलब कि कौन से लैंग्वेज, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आता है, ठीक है, इसका लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, मैक। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स जो होता है सी लैंग्वेज इन्वेंटेड किया था, क्या था, विच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, यूनिक्स में, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, डस सी लैंग्वेज सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। क्या सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दृष्टिकोण का समर्थन करती है, इसका आंसर यस और नो में देना है, मतलब कि सी भाषा जो सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अप्रोच करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को दृष्टिकोण को समर्थन करती है, यानी सपोर्ट करती है, इसका यस और नो में देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, यू नो डज सी लैंग्वेज सपोर्ट द ओरिएंटेड अप्रोच को नहीं करती है, ठीक है, इसका आंसर हमारा नो हो जाएगा, बी इज द। 20 नंबर क्वेश्चन, विच इज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। सी भाषा का के अनुसार नुकसान क्या है, मतलब कि सी भाषा का जो डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब नेगेटिव क्या है, ठीक है, जिसका ऑप्शन है अनइफिशियंट मेमोरी मैनेजमेंट, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑल ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि अनइफिशियंट मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी होता है, ये तीनों डिसएडवांटेज में आपके आता है, ठीक है, इसलिए अब इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन, विच आर द फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी। सी में मूलभूत डेटा प्रकार कौन से हैं, जिसका ऑप्शन है चार, इंट, प्लॉट, ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी चार मतलब कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ऑल ऑफ दी एबव, यानी सारा इसके अंदर आपका आ जाएगा, किसमें, फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी में, ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, हाउ मनी टैब बाइट्स डज ए चार टैब टेक इन सी। सी में चार प्रकार के कितने बाइट्स लेता है, मतलब कि सी में कैरेक्टर जो प्रकार होते हैं कितने बाइट्स का लेता है, मतलब कितने बाइट्स होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे KBMB होता है उसमें बाइट्स पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कितने होते हैं, वन ऑप्शन जिसका है 1, 2, 3, 4, जिसका सही आंसर हो जाएगा वन होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, वन होते हैं, किसमें, टेक टैप टू सी में, ठीक है। 23 आंसर, 23 क्वेश्चन में, फॉर विच टैप द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट आई इज यूज। किस प्रकार के लिए प्रारूप दृष्टि करता परसेंट आई का प्रयोग किया जाता है,
जिसका ऑप्शन है इंट चार फ्लोट डबल, जिसका सही आंसर हो जाएगा इंट के लिए यूज किया जाता है। ये जो आप टाइप करते हैं हमने स्पेसिफायर, ये जो ऑप्शन किसके लिए यूज किया जाता है, इंट के लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल इन सी। सी में फ्लोट और डबल के बीच क्या अंतर है, जिसका ऑप्शन है बोथ आर यूज फॉर द सेम पर्पस, डबल कैन स्टोर जस्ट डबल वैल्यू इन कंपेयर टू द फ्लोट वैल्यू, डबल इज एन एनहांस वर्जन ऑफ द फ्लोट एंड वॉज द इंट्रोड्यूस इन सी 99, डबल इज मोर प्रेसेस देन फ्लोट एंड कैन द स्टोर 64 बिट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डबल इज मोर प्रेसेस देन फ्लोट एंड कैन स्टोर 64 बिट, यानी डबल फ्लोट से अधिक शक्ति और 64 बिट्स स्टोर कर सकता है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आपका डिफरेंसेस है। 25 क्वेश्चन, व्हिच इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द डबल टाइप वैल्यू इन सी। सी में डबल प्रकार के मान के लिए सही प्रारूप दृष्टिकर्ता कौन सा है, जिसका ऑप्शन है परसेंटेज डी परसेंटेज एफ परसेंटेज इफ परसेंटेज एल एफ। जिसका सही आंसर हो जाएगा परसेंटेज इफ जो होता है करेक्ट फॉर्मेट वो स्पेसिफायर डबल टाइप वैल्यू इन सी में किया जाता है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स डज ए शॉर्ट टैप टेक इन सी। सी में शॉर्ट टैप कितने बाइट्स लेता है, जिसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, जिसका सही आंसर हो जाएगा 2। 2 मतलब कि जो भी हाउ मेनी बाइट्स कितने शॉर्ट टैप टेक लेता है, इसमें मतलब कि शॉर्ट टैप कितने बाइट्स लेता है, तो 2 लेता है। ठीक है, शॉर्ट टैप की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा यहाँ पे 2 होगा, बाइट्स पूछता तो आपको 1 देना होता है, पिछले बार मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू द डिक्लेयर ए वेरिएबल इन सी। सी में वेरिएबल घोषित करने का सही सिंटैक्स क्या है, जिसका ऑप्शन है डेटा अंडर टाइप वेरिएबल अंडर नेम, यहाँ पे इस तरह से देना डेटा टाइप एज वेरिएबल नेम वेरिएबल अंडर स्कोर मेन नेम डेटा अंडर स्कोर टाइप वेरिएबल अंडर स्कोर नेम एज डेटा टाइप, इस तरह से आपको प्रॉब्लम करना है जो आपका करेक्ट सेंटेंस डिक्लेयर करता है किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेटा लिखना अंडर स्कोर टाइप वेरिएबल अंडर स्कोर नेम लिखना है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट है जो डिक्लेयर करता है सेंटेंस को। ठीक है, सी के लिए वेरिएबल है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 28 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। सी भाषा में कितने प्रकार के क्वालिफायर है, जिसका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, जिसका सही आंसर हो जाएगा 3। 3 जो होता है, हाउ मेनी टाइप्स पूछा जा रहा था आपको, कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, यानी 3 क्वालिफायर होता है सी लैंग्वेज में, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, विच इज आर द साइज क्वालिफायर इन सी लैंग्वेज। सी भाषा में आकार का कौन सा गुण सूचक है, जिसका ऑप्शन है शॉर्ट लॉन्ग डबल बोथ एंड ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी होता है। ठीक है, क्वालिफायर जो साइज होता है सी लैंग्वेज का कौन सी होता है, बोथ ए एंड बी होता है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, विच इज आर द साइन क्वालिफायर इन सी लैंग्वेज। सी भाषा में कौन से साइन क्वालिफायर है, जिसका ऑप्शन है साइन असाइन लॉन्ग बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर आएगा बोथ ए एंड बी जो होता है वो साइन क्वालिफायर होता है सी लैंग्वेज का, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन सी। सी में डेटा प्रकारों के आकार के संबंध में कौन सा सही है, जिसका ऑप्शन है कैरेक्टर ग्रेटर देन इंटीजर ग्रेटर देन फ्लोट कैरेक्टर लेस देन इंटीजर लेस देन फ्लोट इंटीजर लेस देन कैरेक्टर लेस देन फ्लोट इंटीजर लेस देन चार्ट ग्रेटर देन फ्लोट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 लिखेंगे, लेस देन इंटीजर लेस देन फ्लोट करेंगे, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन सी के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी है। 32 क्वेश्चन, विच ऑपरेटर यूज टू द फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर इन सी। सी में दो संख्याओं का शेषफल जो ज्ञात करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है
फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश परसेंटेज डबल फॉरवर्ड स्लैश, जिसका सही आंसर हो जाएगा परसेंटेज का होता है। रिमाइंडर को लिए हम लोग टूर नंबर का यूज करते हैं जो परसेंटेज शो करता है, ठीक है। परसेंटेज लिखेंगे तो हमारा ऑपरेटर टू यूज फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द नंबर इन सी के अंदर जो करना रहता है हमारा वो परसेंट के द्वारा करते हैं, ठीक है। यानी परसेंटेज का सिंबल लगा के इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, निम्न से कौन सा अंकगणितीय व्यंजन नहीं है, जिसका ऑप्शन है x इक्वल टू 10 x बाय इक्वल टू 10 x परसेंट इक्वल टू 10 x एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू 10, जिसका सही आंसर हो जाएगा x एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू 10 करेंगे तो नॉट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को शो करता है, ठीक है। मतलब कौन सा नॉट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को शो करता है, जिसमें आपका ये जो होता है एक्सक्लेमेशन जो होता है अर्थमेटिक में नहीं शो करता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, निम्न से कौन सी कोड का उपयोग किया होगा, मतलब कि इस तरह कोड का मतलब होता है कोड का आउटपुट क्या होगा, मतलब कि इसके मतलब कि जब हम लोग इस प्रोग्रामिंग को टाइप करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या लिख लेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्टली आप इसको आंसर मतलब नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने दे दिया ताकि आप आइडेंटिफाई आसानी से कर ले। इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद आपका ये ऑप्शन आता है इसमें से कौन सही है, ठीक है। इसका आंसर हमारा टू हो जाएगा। जब हम इस तरह से प्रोग्रामिंग को टाइप करेंगे और इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, टू आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, सी कोड जो हम लोग टाइप करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, निम्न से कौन सा सी कोड का आउटपुट होगा, मतलब कि सी कोड जो हमारा टाइप किया जाता है इसका आउटपुट क्या आएगा, जिसका ऑप्शन है 77.00 7.00000 जिसका सही आंसर हो जाएगा ईरर आएगा, ठीक है। यानी 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। मतलब कि इस तरह से हम लोग ये प्रोग्रामिंग को टाइप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईरर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर 36 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, इनमें से सी कोड का आउटपुट क्या होगा, मतलब कि इस तरह से दूसरा प्रोग्रामिंग को हम लोग टाइप कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, मतलब जिसका ऑप्शन है 23.456 जिसका सही आंसर आएगा 23.46 आएगा, क्या जो हम लोग आउटपुट इस प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमारा आउटपुट आएगा 23.46 आएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, निम्न से सी कोड का आउटपुट क्या होगा, मतलब कि इस तरह से हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोग्राम को तो उसका आउटपुट क्या होगा, इसके 11.30, 11.31, 11.30, 10.30, 10.31 जिसका सही आंसर हो जाएगा 10.30। जब इस प्रोग्राम को हम लोग टाइप करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा क्या आएगा आउटपुट में, 10.30 आएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट माइनस माइनस आर द ऑपरेटर इन सी, सी में इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर है तो इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा, जिसका ऑप्शन है यूनरी बाइनरी टर्नी टर्नरी उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका सही आंसर हो जाएगा यूनरी, यूनरी जो होता है हमारा वो इस ब्लैंक में हमारा भराएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यूनरी भराता है ऑपरेटर ऑपरेट करता है, यूनरी ऑपरेटर इन सी में किया जाता है, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 39 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, से सी कोड का आउटपुट क्या होगा, मतलब इस प्रोग्राम को हम लोग टाइप करेंगे तो इस ऑप्शन में कौन सा हमारा आउटपुट आएगा, जिसका ऑप्शन है 34, ठीक है। 34 होगा जब इस प्रोग्राम को हम लोग टाइप करेंगे ऐसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा आउटपुट 34 होएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम आपको दे दिया जाता है और इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप यहाँ पे इसको इस प्रोग्राम को टाइप कीजिएगा तो इसका आंसर हमारा 34 आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, इनमें से सी कोड का आउटपुट क्या होगा, मतलब कि दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से आपको प्रोग्राम दिया हुआ है इंटीजर में इतना टाइप किया हुआ है,
इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसका आंसर हमारा 1 आएगा। जब इस तरह से प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो हमारा आउटपुट निकल के क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 41 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, निम्न से सी कोड का आउटपुट क्या होगा। जब इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग टाइप करेंगे तो इसका ऑप्शन में से कौन सा आउटपुट हमारा सही होगा, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन में सही आउटपुट है। जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ 100 माइनस 100 जीरो एरर, इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस 100 आएगा। जब इस तरह से हम लोग आउटपुट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा तो माइनस 100 होगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, निम्न से सी कोड का आउटपुट क्या होगा। जिस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग टाइप करेंगे तो हमको इसमें से इस ऑप्शन में से हमारा कौन सा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे 2024 गार्बेज ईयर है, जिसमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रोग्राम को टाइप करने पे आएगा, जिसका आंसर हमारा 24 हो जाएगा। जब हम लोग इस प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा आउटपुट में, 24 आएगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन, विच सी कोड इज यूज टू द एक्सटेंड द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल, चारों की दूसरीता को बढ़ाने के लिए किस सी को कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है एक्सटर्न ऑटो, जिसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्न का यूज किया जाता है, मतलब कि चारों विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल को यूज करते हैं, यानी बाहरी का यूज करते हैं, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एंड ऑपरेटर इन सी, सी में एंड ऑपरेटर का नाम क्या है। जिसका ऑप्शन है परसेंट एंड एड्रेस ऑफ नॉन ऑफ द अबव, जिसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेस ऑफ, एड्रेस जो होता है एंड ऑपरेटर का सी नाम होता है, इसका आंसर हमारा सी है। 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी, जिनमें से कौन से सी में वैध निर्णय लेने का कथन है। जिसका ऑप्शन है इफ स्विच नेस्टेड इफ All of this, जिसका सही आंसर हो जाएगा All of this जो होता है हमारा valid decision making statement है। ठीक है, इसका आंसर हमारा D हो जाएगा। 46 question, decision making in the C programming language is, C programming भाषा में निर्णय लेना है तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा। जिसका ऑप्शन दिया रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, एग्जीक्यूटिंग ए सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड on some condition, providing a name of the block of code, all of this, जिसका सही आंसर हो जाएगा executing a set of statement based on some condition, यानी किसी शर्त के आधार पर कथनों के एक सेट को निष्पादित करना होता है। ठीक है, जो हम लोग सी प्रोग्राम लैंग्वेज जो मेकिंग की डिसीजन होता है हमारा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन, which of the following is the true value in C programming, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा मान सत्य है, मतलब जो वैल्यू आपको नीचे में दिया हुआ है वो कौन सा सही है। 1, इसका ऑप्शन है 1 इंक्लूड हेल्प नल ऑल ऑफ दिस, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये सारा चीज आपका ट्रू है, सी प्रोग्रामिंग में आते हैं। ठीक है, यानी कि सारा वैल्यू हमारा सही है, सही मान है सब। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन, टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग इज, सी प्रोग्रामिंग में टर्नरी ऑपरेटर है। जिसका ऑप्शन है इफ इज इफ क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन एक डबल क्लोन सेमी क्लोन क्वेश्चन मार्क क्लोन क्वेश्चन मार्क नन ऑफ दिस, जिसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क सेमी क्लोन। ठीक है, सेमी क्लोन क्लोन जो आपका होता है यहाँ पे, जो आपका क्लोन दिया हुआ है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग सी कोड, सी कोड का आउटपुट क्या होगा। जिससे मतलब इस प्रोग्राम को हम लोग टाइप कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को टाइप करने पर इन लिखे हुए मतलब कि जो ऑप्शन हमारा है दिया हुआ है उसमें इसमें से क्या मतलब कि आउटपुट आएगा इस कोड को टाइप करने के बाद। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा वैल्यू इज नॉट ए ग्रेटर, मतलब वैल्यू 1 इज नॉट ग्रेटर, वैल्यू इज 1 ग्रेटर, एरर नन ऑफ दिस, जिसका वैल्यू 1 इज नॉट ग्रेटर। ठीक है, वैल्यू 1 इज नॉट ग्रेटर इस प्रोग्राम को टाइप करने पे आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में टर्नरी ऑपरेटर है, मतलब सी प्रोग्राम में टर्नरी ऑपरेटर होता है। इफ लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो कंडीशन लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, या इफ लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर हमारा कंडीशन लिखेंगे उसको ब्रैकेट ऑफ करेंगे या फिर क्लोन देंगे। ठीक है, इफ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे कंडीशन लिखेंगे बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे या कर्ली ब्रैकेट करेंगे या नन ऑफ दी दिस करेंगे, जिसका सही आंसर हो जाएगा इफ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे कंडीशन लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा सही स्टेटमेंट करेक्ट सेंटेंस है स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सी प्रोग्राम से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं वो सारा मैंने इस सीरीज में कवर करूंगा। लगभग जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा मैं इस सीरीज में लेकर आऊंगा। 200+ का मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। ये पहला वीडियो है, इसे देखें। और वीडियो देखना चाहते हैं तो एस एजुकेशन चैनल पर जाएं, वहाँ कंप्यूटर टॉपिक वाइज ऑलरेडी एमएस ऑफिस लिब्रा ऑफिस इंटरनेट फंडामेंटल फुल फॉर्म शॉर्ट कीज से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।